सूबे के पर्यटन खेल व कला संस्कृति के मंत्री हफीजुल हसन ने अपने पैतृक आवास पिपरा ईदगाह में बकरीद की नमाज अदा की। इस अवसर पर वे अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर बकरीद की नमाज पढ़ी, साथ ही राज्यवासियों के अमन चैन की कामना की। उन्होंने कहा कि बकरीद कुर्बानी देने का त्यौहार है। उन्होंने राज्यवासियों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बकरीद मनाने की अपील की। इस अवसर पर वे अपने पिता हाजी हुसैन अंसारी के कब्र पर जाकर दुआ भी मांगी। ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर तमाम बासिंदाने हिंद को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। और ये त्यौहार बहुत अजीम त्यौहार है, इसमें अल्लाह ताला का हुक्म हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मानते हुए उनके अपने बेटे को कुर्बानी देने का जो उनको सपना आया था, और बेटे 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 ने भी बाप का फर्ज निभाने में कोताही नहीं की, इसलिए ये त्यौहार बहुत अजीम त्यौहार है। और ये त्यौहार में हज जो एक मुसलमान का 5 अरकान में एक अरकान होता है, इसी के चलते इस त्यौहार का जो अहमियत है बहुत ज़्यादा।